गुड इवनिंग गाइस, किवें हो सारे? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। लीप ईयर के क्वेश्चन करेंगे, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन एंड फेवर ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे एंड ऑड इन फेवर प्रोबेबिलिटी करेंगे। यानी कि आज हम चार टॉपिक करने वाले हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो आज हमने किया है। कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे लीप ईयर के क्वेश्चन हो, चाहे कॉन्ट्राडिक्शन के क्वेश्चन हो, चाहे ऑड इन फेवर के क्वेश्चन हो, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? द इवेंट ऑफ वन आउटकम हैपनिंग, द आउटकम नॉट हैपनिंग। क्या कहता है? हैपनिंग का कोई प्रोबेबिलिटी है पी ए, यानी कि वो हैपन हो रही है, और कोई प्रोबेबिलिटी है नॉट हैपनिंग, यानी कि पी के ऊपर हम ऐसे लगा देते हैं स्लैश सा, उसको बोलते हैं नॉट हैपनिंग। तो इन दोनों का जो सम होगा ना, हैपनिंग का प्लस नॉट हैपनिंग का, वो कितना होगा? वन होगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज वन। क्लियर? ये तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन थी, आगे जाके इसको और क्लियर करते हैं हम कि क्या कहना चाहता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट, अब हमारे पास कोई मान लीजिए बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। पूरा बॉक्स क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, जैसे ये बना रखा है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में क्या है? हमारे पूरे के पूरे नंबर पड़े हैं 1 से लेके 9 तक। कितने? 1 से लेके 9 तक नंबर पड़े हैं किसमें? यूनिवर्सल सेट में। अब ये बीच वाला हमने कोई क्या ले लिया? ए सेट ले लिया, ए वन। उसके अंदर क्या, कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 1, 3, 5, 7, 9। ये किसके अंदर आ गए? ए के अंदर। अब जो ए के अंदर नहीं आए, यानी कि 2, ए के अंदर कौन से नहीं आए? 2, 4, 6, 8। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। यानी कि जो ए में ना, यानी कि यूनिवर्सल सेट में हो, ए में ना हो। किसमें? यूनिवर्सल सेट में तो हो, ए में ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को 3-4 प्रकार से लिखा जाता है। देखिए पहले लिख सकते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे, ए के ऊपर सी डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए के ऊपर ऐसे कोमा डाल के भी ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। इसको यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और ए डैश। इसको ए बोल देंगे, इसको ए डैश बोल देंगे, यानी कि जो ए में ना आए, यूनिवर्सल सेट में तो हो, ए में ना आए। वो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम डाई का। हमने किसी डाई को फेंका, डाई में अब कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं, हमें पता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ए के अंदर क्या आ गए? इवन नंबर आ गए, 2, 4, 6। ये पूरा हम यूनिवर्सल हो गया ना, जो डाई है हमारी वो क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। उसमें कौन से नंबर आ गए? 1, 2, 3, 4। जिनके टोटल यूनिवर्सल में कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। लेकिन ए के अंदर कौन से आ रहे हैं? इवन नंबर, 2, 4, 6। लेकिन ए में जिन कौन से नहीं आ रहे? ओड नंबर, 1, 3, 5। इसको क्या बोल देंगे हम? कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ए में ना आए। और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बना लेते हैं? देखिए अब हम बात कर रहे हैं, अब ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और ए, अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि दोनों की यूनियन कर दें, ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बना लेते हैं? यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। दोनों को मिला देंगे तो यू ही बनेगा। क्लियर है? ए और ए कॉम्प्लीमेंट मिलके क्या बना लेते हैं? यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, ठीक। लेकिन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट के अगर इंटरसेक्शन करें, अगर उनमें से कुछ हमें साझा देखना हो, कॉमन देखना हो, तो वो क्या होगा? देखिए आपको ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ नज़र आ रहा है कॉमन? कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर? अगर इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या? 1। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी एम्प्टी सेट की क्या होती है? 0। क्लियर हुआ? तो अगर
अब ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले क्लियर हुआ कि जो ए में ना आए, यानी कि ए के साथ हो कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में तो दोनों होंगे लेकिन ए के अंदर नहीं होगा, वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। अगर दोनों की यूनियन करें, अगर दोनों को जोड़ें हम, तो वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर दोनों का कॉमन देखना हो, यानी कि उनकी इंटरसेक्शन देखनी हो, तो वो क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी हमारे पास। क्लियर हुआ। फिर बात देखिए, हम एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए हर्ट। अब हर्ट पिक करना है, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, अब हर्ट कितने होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी हर्ट की, पी एच आ जाएगी 13/52। ये तो सभी को आते ही आमतौर पे, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम इसके माध्यम से समझना क्या चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट को। अब क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी पिकिंग नॉट ए हर्ट, तो हमें पता क्या है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी पिक करने की प्लस प्रोबेबिलिटी नोट पिक करने की कितनी होती है, 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी पिक करने की हमारे पास कितनी है, 1/4, तो नोट पिक करने की क्या आ जाएगी, 1-1/4 यानी कि 3/4। तो हम ये समझना चाहते थे कि नोट का उसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे यूज करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट ही हो गया एक तरह से, कि उसके अंदर क्या नहीं आ रहा। अगर हर्ट आ रहा है तो हर्ट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर। देखिए ये लिखा पड़ा है, पी ए प्लस पी नोट इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए क्या होती है, 1 होती है। हम ये पहले ही कर चुके हैं। क्लियर। देखिए अब हमने एक रिजल्ट किया था, क्या पी ए प्लस पी नोट ए यानी कि कॉम्प्लीमेंट ए कितना होता है, 1 होता है। देखिए द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 1, एड टू 1 या इज 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कॉम्प्लीमेंट और इवेंट की, क्या होती है, 1 होती है। अगर कोई इवेंट ले उसका कॉम्प्लीमेंट ले, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डाइस हमने कोई थ्रो की, तो हमने लिया पहला केस लिया ग्रेटर देन 4 नंबर। अब ग्रेटर देन 4 नंबर कितने होते हैं, 5 एंड 6 यानी कि 2 केस। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 2/6 यानी कि 1/3। अब सेकंड केस लिया हमने, क्या कॉम्प्लीमेंट लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिया, लेस देन 4 में कितने केस आ जाएंगे, 4, तो क्या आ जाएगा, <= 4, तो क्या आ जाएगा 4/6, ये कितना हो जाएगा 2/3। अब दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए एक प्रॉबर्टी ये आ गई, ये कॉम्प्लीमेंट की प्रॉबर्टी आ गई, तो दोनों को ऐड किया 1/3 + 2/3, 3 LCM, तो 3/3 कितना हो गया, 1 हो गया। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, लेकिन हम बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता कॉम्प्लीमेंट का, तो अब तक क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए दोनों की प्रॉबर्टी क्या आ गई, 1 आ गई, किसकी, पी ए प्लस पी नोट ए की। क्लियर हुआ। फिर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज सब्ट्रैक्टिंग द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉन्ट हैपन फ्रॉम 1। देखिए अगर कह रहा है कि हमें पता है पी ए प्लस पी नोट ए का सम कितना होता है, 1। अगर कहता है हमें पी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, 1-P नोट ए। अगर पी नोट ए की निकालनी है, तो क्या कर देंगे, 1-P ए। ये दोनों रिजल्ट हम पीछे यूज करके आ चुके हैं। क्लियर। फिर एग्जाम्पल है, एन अर्न कंटेन 5 white 3 black, एक तो 5 white हैं और 3 black हैं, फिर 2 red and 2 red है उसमें। इन गेटिंग 1 wall, what is the probability that it is not red wall? अब हमें निकालनी है probability not a red wall की, तो हम पहले क्या कर लेंगे, उल्टा चलेंगे हम उसके, red wall की probability निकाल लेंगे, P red कितनी आ जाएगी, red कितनी है 2, total कितनी है 8 और 2 10, तो यानी कि 1/5 आ गई। ये किसकी प्रॉबर्टी आ गई, पी रेड की, लेकिन हमें किसकी पूछी है, पी नोट रेड की, तो क्या आ जाएगी, पी रेड ये हो जाएगा 1-P नोट रेड, ये हो जाएगा 1-P रेड, ऐसे निकाल सकते हैं। तो 1-P रेड की कितनी है, 1/5, तो ये आ जाएगी 4/5। क्लियर हुआ। तो ये थी हमारी प्रॉबर्टी। क्लियर। अब बातें करते हैं एडिशनल थ्योरम क्या होती है। एडिशनल थ्योरम देखिए, कोई ए है, ये कोई हमारा बी इवेंट है, और देखिए ये दोनों का क्या होता है, इंटरसेक्शन, ये वाला क्या होता है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये पूरा जो हो जाएगा सारा, उसको क्या बोल देंगे, यूनियन,
पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, इसको संभाल के रखिएगा, इसके हमें आगे जरूरत पड़ेगी कई क्वेश्चन में। क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होती है हमारी एडिशन थ्योरम। अगर यूनियन निकालनी हो तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर देते हैं क्या, इंटरसेक्शन को। क्लियर हुआ। अगर हमें निकालना हो क्या कह रहा है कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिए हो, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमने किया था, क्या किया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, कि उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो होता है क्या है, इंटरसेक्शन एक मिनट, उनका जो इंटरसेक्शन होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होता है फाई। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की, जीरो। अब हमें निकालना हो अगर पी ए यूनियन बी, तो क्या होता है वो, पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अब जहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो हो गया हमारा, तो जो पी ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी, किस केस में, जब क्या है इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ये रिजल्ट, अगर म्यूचुअली तो ये रिजल्ट, इसको संभाल के रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम करते हैं थोड़ा सा डी मॉर्गन लॉ। देखिए डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेकेंड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके कुल होगा, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट किसके कुल, सॉरी उल्टा चलते हैं हम, ऐसे नहीं चलते, उल्टा करते हैं। अगर ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन करना हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन करना हो, तो क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यूनियन किस में चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन में, ए कॉम्प्लीमेंट। ये होता है हमारा डी मॉर्गन लॉ। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना हो तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं, इससे हम ऐसे भी चल सकते हैं, इससे हम ऐसे भी चल सकते हैं। क्लियर, क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे क्या हो, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अब इंटरसेक्शन किस में चेंज होगी, यूनियन में, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। और फिर क्या होता है, देखिए पी, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस पी ए यूनियन बी, क्या, अगर पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है उसको लिख सकते हैं वन माइनस पी ए यूनियन बी, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो उसको लिख सकते हैं हम वन माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये सभी के सभी क्या हैं, क्लियर हुआ जी, हमारे क्या हैं सारे के सारे डी मॉर्गन लॉ। मूव करें, अब क्वेश्चन है ये हमारा किसका क्वेश्चन है, मास्टर कैडर का क्वेश्चन है, अभी 2020 में आया था। क्वेश्चन क्या है, पी ए यूनियन बी क्या दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी कितना है, 5/6। पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है वो कितना है, 1/3। फिर क्या दिया हुआ है, पी ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि पी ए कॉम्प्लीमेंट वो कितना है, 1/2। निकालना क्या है, पी ए वाई बी निकालना है। क्लियर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पी ए यूनियन भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, पी नोट ए दिया हुआ है। ठीक है, अब पी नोट ए दिया हुआ है तो हम पी ए निकाल लेंगे, पी ए कैसे निकलेगा हमारा, 1 माइनस पी नोट ए, तो अभी करके हम पीछे, तो 1 माइनस पी नोट ए कितना है, 1/2, तो 1 में से हाफ गया कितना, हाफ। क्लियर हुआ। अब निकालना क्या है हमें, पी ए वाई बी। अब पी ए वाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, कल वाली क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया था, पी ए वाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, पी ए वाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई में पी बी। अब देखिए गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, हमारे पास इंटरसेक्शन तो है लेकिन क्या नहीं है,
पी भी नहीं है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पी भी। पी भी किससे निकलेगा, जूनियन इंटरसेक्शन और ए से। कौन सी थ्योरम लगा के, एडिशन थ्योरम लगा के। तो एडिशन थ्योरम क्या थी, पी ए जूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। जूनियन दिया हुआ है 5/6, ए दिया हुआ है 1/2, पी बी निकालना है, माइनस में इंटरसेक्शन दिया हुआ है 1/3। क्लियर। अब पी बी निकालना है हमको, पी बी निकालना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए सभी को क्या करते हैं, नीचे 6 बना लेते हैं बेस। पी बी क्या आ जाएगा हमारा 5/6, ये 1/2 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, इसको मैं 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 3/6। फिर 1/3 इधर आ जाएगा, इसको मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे 2/6, ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या है इजी हो जाए। ये प्लस का हो जाएगा ना, इधर आएगा राइट हैंड साइड, मेरी कैलकुलेशन क्या हो गई, ईजी हो गई, क्योंकि बेस हो गया मेरा 6। अब नीचे तो 6, ऊपर 5 × 7, 7 − 3 = 4, तो कितना आ गया 4/6, यानी कि 2/3। पी भी निकल चुका है मेरा। अब मेरा जैसे पी भी आ गया तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर दूँगा। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, पी ए वाई बी, इंटरसेक्शन हमें मालूम है कितनी 1/3, पी भी 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2, 1/2 कितना होता है 0.50, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ। तो इसलिए हमें सारे फॉर्मूले हैं जो पहले आते होने चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एडिशन थ्योरम, जो जो भी इसमें जूझ हुआ है वो सभी हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो हम क्वेश्चन हम सिर्फ 1 मिनट में ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मास्टर कैडर का क्वेश्चन है। देखिए पी इंटरसेक्शन दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/2, फिर क्या दिया हुआ है, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1/3, और क्या दिया हुआ है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, दोनों की वैल्यू दी हुई है पी, और फाइंड क्या करना है, इस पी को ही फाइंड करना है, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इस पे हम लगाएंगे कौन सा, डी मॉर्गन लॉ। क्या लिख सकते हैं हम, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको लिख सकते हैं क्या, पी ए जूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं ना इसको पूरे को, पी ए जूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जूनियन, किस में चेंज हो जाएगी, इंटरसेक्शन में। अब इसको भी मैं आगे लिख सकता हूँ फर्दर, किस में, 1 − PA × B, यही हम करके आए ना पीछे वाली स्लाइड में। क्लियर। अब हमें क्या मालूम है, देखिए यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पी ए जूनियन बी की, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, इंटरसेक्शन की कितनी है 1/3, और इधर आ जाएगा सॉरी, तो ये हो जाएगा 1 − PA × B। तो क्या हो गया, सॉल्व करेंगे तो हम, ये हमारा आ जाएगा 2/3। क्लियर हुआ। जूनियन हमारा कितना आ चुका है, 2/3 आ चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जैसे ही हमारा जूनियन आया तो उसको हम पुट कर देंगे किस फॉर्मूले में, एडिशन थ्योरम में। अब एडिशन थ्योरम हमारी क्या कहती है, देखिए जूनियन हमारा निकल चुका है, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। अब एडिशन थ्योरम हमारी क्या थी, पी ए जूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब जूनियन मेरे को मालूम 2/3, पी ए मेरे को पता है पी, पी बी मेरे को पता है पी, इंटरसेक्शन उन्होंने खुद ही दिया हुआ है कितना 1/2, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, 2 पी
इधर कितना हो जाएगा 2/3, 1/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 1/2। तो एलसीएम लेंगे कितना, 6 एलसीएम, 4 × 7/6। तो 2p है, निकालना क्या है p, तो p कितना आ जाएगा 7/12। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आए थे हमारे मास्टर कैडर एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू इवेंट ए एंड बी, पी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पी ए कॉम्प्लीमेंट, पी ए डिवाइड बाय में क्या दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय में बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये इस पे क्या लगा देंगे हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या आ जाएगा देखिए, इसकी वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय में नीचे जो होता है वो नीचे आ जाता है पी बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस इस पे भी लगा देंगे कौन सी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नीचे क्या होता है, जो नीचे होता है बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो बी पी बी कॉम्प्लीमेंट हमने किया लिया एलसीएम, ऊपर क्या आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस में क्या आ गया पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ? अब जो ये वाली टर्म होती है ये क्या होता है, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ मतलब ओनली ए। और ओनली की कैसे निकालेंगे हम, ओनली ए निकालते हम पी ए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या उन दोनों की यूनियन। ओनली ए कैसे निकलेगा, देखिए ये था ए, ये था बी, ये ए ये बी, ये जूनियन उनकी इंटरसेक्शन। अगर ओनली ए निकालना है तो उन दोनों की इंटरसेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। और ये क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, इस पे लगाएंगे अब डी मॉर्गन ला, डी मॉर्गन लगाएंगे तो ये बन जाएगा पूरे का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जूनियन का कॉम्प्लीमेंट, प्लस पी ए जूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नीचे क्या पड़ा है पी बी कॉम्प्लीमेंट। अब पी बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 - pb। ये हम कह के आए अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - pb। अब देखिए पी ए जूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पी ए जूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 - pb। मैं ये कर रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं, 1 - pa जूनियन b, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, जूनियन का, जूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सारा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का पी बी बन जाएगा। तो 1 - pb ऊपर, नीचे कितना 1 - pb, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इवेंट ए एंड बी सच दैट पी ए दिया हुआ है 1/4, बी वाई ए दिया हुआ है 1/2 एंड ए वाई बी दिया हुआ है 1/4। तो हमें निकालना क्या है, ए पी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी वाई ए का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, सबसे पहले ये दिया हुआ ना बी वाई ए का लिखाओ। बी वाई ए का क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पी ए भी दिया हुआ है, इस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे पी बी वाई ए। तो क्या आ जाएगी पी बी इंटरसेक्शन ए और नीचे पी ए, कितनी दी हुई है इंटरसेक्शन, यहाँ से हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे क्योंकि बी वाई ए दिया हुआ है और पी ए दिया हुआ है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 1/2 पी पी बी वाई और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 1/4, तो 1/4। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? तो कितना आ गया 1/8 हमारा इंटरसेक्शन आ गया। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी हटा के, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? फिर अब लगा देंगे हम इस ए बाई बी पे, ए बाई बी पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय में पी बी। अब देखिए गौर से, क्या ए बाई बी हमें मालूम है, ये वाला इंटरसेक्शन हमें मालूम है, ये निकाल ली तो पी बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। पी बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2। क्लियर हुआ? अब पी बी की वैल्यू आ गई, पी ए की वैल्यू आ गई, दोनों की आ गई। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए जूनियन। क्या चाहिए, जूनियन चाहिए। जूनियन किस लिए चाहिए,
क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट को जब हम तोड़ेंगे ना तो हमें जूनियन की जरूरत पड़ेगी। अब जूनियन के लिए किस कौन सा थ्योरम लगा देंगे, एडिशन थ्योरम, पी ए जूनियन बी, वो वाली थ्योरम। तो देखिए जूनियन चाहिए तो क्या होती है, पी ए 1/4 प्लस पी बी 1/2 माइनस में क्या होता है इंटरसेक्शन 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/8 क्या आ जाएगी, जूनियन आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, 5/8 क्या आ गई, जूनियन आ गई। जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बस बाकी सारा रफ कर देते हैं। अब देखिए क्या निकालना है, पी ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय में बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस, नहीं सॉरी इस पर लगाएंगे तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय में पी बी कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा। इस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस पी ए जूनियन बी, क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए जूनियन बी, पीछे वाले क्वेश्चन में हम करके आए हैं ना, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी बी। अब हमें इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू पता है, पी बी पता है, जूनियन हमने निकाल लिया। अगर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 आएगा। मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, वो आपने खुद ने करनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं। ए एंड बी क्या दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट, और ए दे रखा है, बी दे रखा है, और हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट जून इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किस, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस पी ए जूनियन बी। सबसे पहले इसको लिखेंगे ए जूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए जूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए जूनियन बी। अब देखिए 1 माइनस, अब इसका एडिशन थ्योरम लगा देंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस में इंटरसेक्शन। क्लियर। अब देखिए अब हमें इंटरसेक्शन नहीं मालूम, आप कहोगे कि हमें इंटरसेक्शन तो दिया नहीं हुआ, अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेकिन गौर से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट इवेंट, और इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन किसके कुल हो जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, किसके कुल आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी के कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 माइनस पी ए कितना, 1/2, फिर पी बी कितना, सॉरी ये भी माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ये माइनस में है पूरा तो माइनस खोलेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। पी बी कितना, 1/3, एंड पी इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे, प्लस का पी ए इंटू पी बी। क्लियर, क्योंकि ये इवेंट कौन से हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इसकी भी वैल्यू पुट कर लेना, आप इसको सॉल्व कर लेना, अगर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर। कैलकुलेशन आपने खुद ने कर लिया, क्योंकि ये तो आप कर सकते हो ना, इतना काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इवेंट ए एंड बी, पी ए दिया हुआ है 1/4, ए वाई बी दिया हुआ है 1/2, बी वाई ए दिया हुआ है 2/3, तो पी भी निकालना है। देखिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखिए बी ए दिया हुआ है ना पी ए, तो इसका मतलब बी वाई ए वाला चकेंगे हम, बी वाई ए वाले पे चक, उसको चक के क्या कर देंगे, उस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, बी वाई ए, इसको चक लिया, चकते ही क्या करना है, इसको लगा देनी है इस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन डिवाइड बाय में ए। और देखिए इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 2/3, पी ए हमें गिवन है, यहाँ से क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, पी ए कितना है, 1/4, इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो पी ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से नहीं सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है ना, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से, 1/6, अगर आप सॉल्व करोगे तो। जैसे इंटरसेक्शन आ गया तो अब हमने किस पे लगा देंगे, ए बाई बी पे, ए बाई बी पे लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आ चुके हैं जहाँ हमने पी वी निकाला था, अब इस पर वही इंटरसेक्शन डिवाइड बाई में पी वी। अब देखिए ए बाई बी हमें मालूम है 1/2, इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं 1/6, तो कितना आ जाएगा, देखिए 1/6 अपॉन 1/2 कितना, पी बी, तो 2/6 यानी कि 1/3 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये मास्टर कैडर के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए कितना इजी लेवल था, लेकिन वहाँ पे हमें तब आते नहीं थे क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी इन क्वेश्चंस की। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पी ए दिया हुआ है 3/10, पी बी दिया हुआ है, यूनियन दी हुई है, पी बी बाई ए निकालना है और ए बाई बी निकालना है। लेकिन इस थ्योरम को लगाने से पहले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालने से पहले क्या चाहिए हमें? इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन किससे निकलेगी? इस वाली एडिशन थ्योरम से। क्या ए यूनियन बी कितना? 3/5। फिर क्या होता है? पी ए 3/10। फिर क्या होता है? पी बी 2/5। और माइनस में क्या होता है? इंटरसेक्शन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूँ मैं सीधा। अब देखिए सभी को इक्वल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? 6/10। ये इधर आ जाएगा, कितना है ये? पी ए 3/10। और ये इधर आके कितना हो जाएगा? माइनस का 4/10। और बराबर में कितना पड़ा है? नेगेटिव ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कितना आ गया? 6 - 7, माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, इंटरसेक्शन कितना आ गया? 1/10। अब जैसे इंटरसेक्शन आया तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए इंटरसेक्शन हमारा निकल चुका है। अब क्या निकालना है? बी वाई ए। प्लस में ए वाई बी। अब बी वाई ए क्या होता है? इंटरसेक्शन अपॉन में पी ए। पी ए बाई बी कितना होता है? इंटरसेक्शन अपॉन में पी ए बाई बी, पी बी। ठीक है, तो देखिए इंटरसेक्शन की वैल्यू पता है 1/10, 1/10 अपॉन पी ए। पी ए कितना है? 3/10। प्लस फिर पी ए इंटरसेक्शन बी कितना? 1/10। पी बी इसको मैं लिख लूँ 4/10, ये आ जाएगा 4/10। 10 से 10 कैंसिल, 1/3 + 1/4, 1/3 + 1/4। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी हमने किया था। इसका आंसर क्या आया? 1 आया। या फिर से ट्राई कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लीप ईयर की। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं हमें पता है? 360 डेज। नॉर्मल डेज से क्या ज़्यादा होता है? एक दिन ज़्यादा होता है। नॉर्मल डेज में कितने डेज होते हैं? 365। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडे इन रैंडमली सिलेक्टेड इन लीप ईयर, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। लीप ईयर की बात करते हैं, 360 डेज। अब 360 डेज में से एक वीक कितने दिन डेज का होता है? 7 का। तो 7 से कट करेंगे कितना? 7 × 5 = 35, 1 = 16, 7 × 2 = 14, यानी कि 52 वीक तो पूरे हो गए। और क्या हो गया? दो डेज कितने आ गए? एक्स्ट्रा आ गए। दो डेज क्या आ गए हमारे? एक्स्ट्रा आ गए। अब लीप ईयर में क्या सिलेक्ट करने हैं? संडे। दो डेज एक्स्ट्रा हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2/7, क्योंकि वीक तो पूरा 53 संडे कब बनेंगे? अगर दो में से कोई एक संडे आ जाए तो प्रोबेबिलिटी दो में से कि 7 क्या, 7 का वीक होता है तो 2/7 कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किस में? लीप ईयर में किसकी? 53 संडे की। अब फिर 52 संडे को भी इसमें से मिल रहे हैं ना हमें? 52 वीक तो पूरे बन रहे हैं, उसमें से 52 संडे हमें मिल रहे हैं, लेकिन मिल क्या नहीं रहा? जो एक्स्ट्रा टू डेज है उसमें से हमें क्या चाहिए? एक संडे चाहिए कम से कम। तो 2/7 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉन लीप ईयर की। अब नॉन लीप ईयर की बात करें, उसमें डेज कितने होते हैं? 365 डेज को कितने एक्स्ट्रा होते हैं? एक एक्स्ट्रा डे होता है उसमें। अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा डे हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/7, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही संडे चाहिए, अब वो भी एक एक्स्ट्रा दिन है, तो एक एक्स्ट्रा दिन है तो वही हमें संडे चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/7। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा लीप ईयर का क्वेश्चन।